Good morning from Leh. I'm writer Aparajita and I'm a motor vlogger from Assam. मैं हूँ लद्दाख लेह राइड पे और ये मेरा ड्रीम राइड है और आज मैं हूँ लेह पे. कल रात को ही लेह पहुँच गई थी और मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया है. आज सोच रही हूँ कि लेह पे ही थोड़ा सा रुकेंगे, रेस्ट करेंगे और आसपास घूमेंगे, लेह टाउन घूमेंगे. और देखते रहिए ये व्लॉग. और आप लोग अगर मेरा पहला जो एपिसोड्स नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखिएगा और कैसा लगा कमेंट पे बोलिएगा. और चलिए इस मेरे ड्रीम राइड पे आप भी मेरा साथी बन जाइए. तो चलिए तो अभी हम निकल रहे हैं हॉल ऑफ फेम तक. तो ये है इंडियन मिलिट्री का एक मेमोरियल. ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे. भैया तो ऊपर ही हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं और चिन्मय दादा जा रहे हैं वहाँ. और बाइक का पूरा सामान होटल पे रख दिया है. बहुत बहुत लाइट लग रहा है बाइक को चलाने में. हम अच्छे से देख लेंगे पहले वो हॉल ऑफ फेम, उसके बाद वो ऑडियो का जो जैक है गोप्रो का वो लेना है, क्योंकि वो ख़राब हो गया है. इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए. तो हम पहुंच गए हैं यहाँ. बंद है सर, अब 1 बजे बंद हो जाता है. अब ये 3 बजे खुलेगा. 3 बजे और एक शो होता है ना, वो नाइट में होता है. तो हम लोग का हुआ क्या, यहाँ ये बंद हो गया है, 3 बजे ही खोलेगा. और एक डॉक्यूमेंट्री शो भी होता है. तो हम अगर 5 बजे आएंगे और डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं, म्यूजियम भी देख सकते हैं. और डॉक्यूमेंट्री देखने के टाइम ये म्यूजियम बंद कर देते हैं. बाकी जो जो जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाएंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे. ये है लेह एयरपोर्ट, देखिए बहुत छोटा है ये वाला एयरपोर्ट. पर हम लोग के लखीमपुर का जो है ना वो इससे भी ज़्यादा छोटा है. फॉर्म कमीशन ही हम लोगों ने खाना खा के फिर से रियलाइज़ किया कि हम लोग का पंक्चर हो गया है. तो रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस सेंटर है वही चले आए, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं हम. यही आके अच्छे से दिखा लेते हैं. एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पंक्चर कहाँ बनाते हैं? सामने है तो ट्यूब यहाँ मिलेगा. हाँ ट्यूब चाहिए, फ्रंट और रियर दोनों का दे दीजिए. हिमालयन 450 असम से दिल्ली होते हुए. जी जी, रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे हैं अभी हम. यहाँ व्हील खोल देंगे, ट्यूब को हम खुद से खोलना पड़ेगा या फिर यहाँ दुकान ढूंढना पड़ेगा वहाँ पंक्चर ठीक करने के लिए. तो अभी हम ये टायर लेकर हम जा रहे हैं. थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है चीज़ें. अभी रॉयल एनफील्ड शोरूम पे आए, यहाँ मतलब एक साथ सब कुछ नहीं होता है. जहाँ पंक्चर करते हैं वो टायर नहीं खोलते हैं, उसको पता नहीं है. फिर मैं आई, हम लोग आए रॉयल एनफील्ड में तो सर्विस सेंटर में वो टायर खोल के फिर से लाई हूँ यहाँ पंक्चर ठीक करने के लिए. बार बार हो रहा है तो थोड़ा सा ये इरिटेटिंग लग रहा है, देखते हैं क्या होता है. भैया आए हैं साथ में, रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से ही वो आए हैं, तो हम लोगों को मदद कर रहे हैं. बार बार हो रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है और बहुत दूर जाना है. तो श्रीनगर में जब हम लोगों का पंक्चर हुआ था तो क्या क्या देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था और हम 20 रास्ते में फंस गए थे. तो 190 का ट्यूब लगा दिया, बहुत पतला सा सेकेंड हैंड वो भी. और हम लोगों को लग रहा है कि उस आदमी ने वो बुद्धि करके वो नोजल का वो भी तोड़ दिया. हाँ, हम लोगों को ये वाला लेना पड़ा उनसे. ये सेकेंड हैंड है. खोल के दिया क्या वो, ठीक करके नहीं दिया वो? ये देखो ना, इधर है नहीं है. भैया टायर भी चेक कर रहा है वो देखने के लिए कि वहाँ कुछ है. किल नहीं होगा ये देखो ना, क्योंकि पहले का पंचर है ना, उसने सिग्नल को पंचर हमने देखा नहीं, कहाँ से डर के लिए. आप लोगों को पता ही है कि श्रीनगर में हम लोगों का पंचर हुआ था. तो जिस आदमी ने ठीक किया
उसने हम लोगों के साथ गलत किया। पहला तो ये किया कि जो नोज है मतलब नोजल का वो उसमें साइड में थोड़ा सा ये तोड़ दिया ताकि हमको ये ट्यूब लेना पड़ा। तो इस ट्यूब में बहुत गड़बड़ी है, पहले एक पंक्चर है ही, दूसरे बात एक और भी छेद है वहाँ पे, तो इसके वजह से होना ही था हम लोगों के साथ। दो जो भैया था, दो आदमी ने हम लोगों को मदद किया था, वो लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ हमेशा कि मुसीबत में वो लोग साथ दिया। जिसने बनाया उसने गड़बड़ी किया, पर जिसने लेकर गया था मदद करने के लिए वो सच में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को अभी भी थैंक यू, बहुत मदद किया आप लोगों ने। तो अभी यहाँ लद्दाख लेह में हम आके ये ठीक कर रहे हैं, तो भैया वही देख रहे हैं कि टायर में सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये होने के बाद सर्विसिंग अगर कर सकते हैं तो यहाँ करके हम चले जाएंगे, तो ताकि मतलब हम सही सलामत जा सके। रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर के में ये काम करते हैं ना भैया, तो भैया खुद आया तसल्ली के लिए कि सब ठीक से कर देते हैं कि नहीं, मतलब ये सब देखने के लिए आगे, तो थोड़ा सा साहस मिला। ऐसे ही होता है ट्रेवल में, कभी कभी ट्रेजिक आ जाते हैं, हार के बाद जीत होते हैं, हार के बाद जीत होते हैं। भैया ने सही कहा पर मुझे तो रोना आ रहा था। अगर मेरे भैया साथ में नहीं होते ना, मेरे भाई अगर साथ में नहीं होते तो मैं शायद पता नहीं क्या करती। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊंगी लद्दाख में तो मैं ट्यूबलेस टायर में बना के ही आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी मैं। भैया मुझे दिलासा दे रहे हैं कि चिंता मत करो, सब सही सलामत पहुंच जाऊंगी, अभी एक बार भी नहीं होगा, पंक्चर से बोल रहे। थैंक यू सो मच। अभी नहीं होगा ना पंक्चर? अब नहीं होगा, अभी सीधा असम पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, लद्दाख टायर एक्सेसरीज में आई पाए गलो ही सर्विस सेंटर। भैया ने लगा रहे हैं फिर से। दादा ये जितना कुरेसिल इन कष्ट कराए ना सिल ये मानुटे टानी टानी कने के लगाई से सब दादा एकदम इजीली लगाई दिसिले मोय होय दिसिलो सही जगह साइज है आई एंसिले दिया। तो इन जगह पे रॉयल एनफील्ड का टेक्नीशियन है। आई प्रोवाइड यू द स्कैनर। ओके यू कैन कीप इट इन मोबाइल एज़ वेल हैंडी इफ दिस इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड यू कैन कीप इट हैंडी राइट। तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ टेक्नीशियन की जरूरत पड़ी तो इन जगह पे है। कुलिन भी लीक हो रहा है शायद, नजर में आया मेरा এটা সময় মোৰ মে আমি স্টপ লাগা ফটো চটো মাৰি থব লাগে কি নট শট ঠিকে আছেনে নাই পিছত সবুত পৰিব দিয়া। कम है ना यार आना चाहिए। तो अभी 4:30 हो गया है, भैया आते हैं। अच्छा लगा, बहुत मदद किया आपको भी। मैं जाती हूँ। आपका नाम? सैमुअल। सैमुअल मैं अपराजिता। आपका? तुम्हें भी जाओ बाइक पर। एक बार लो बाइक। ये हुआ बाइक का हालत। ऐसे छोड़ के ही जा रहे हैं, लेह पैलेस अभी बंद करेंगे तो जल्दी जल्दी हम निकल रहे हैं। चिन्मोई टावर में अभी जा रहे हैं लेह पैलेस। वाओ ये व्यू देखिए ना। तो हम अभी हैं लेह पैलेस पे और इसका नज़ारा मैं क्या बोलूँ। ये लेह पैलेस 9 स्टोरीज का है, मतलब 9 फ्लोर्स हैं, पर अभी जब जहाँ हम हैं वो 4th फ्लोर है, तो फोर्थ लेवल ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ का आर्किटेक्चर कुछ अलग सा दिखता है। पुराने ज़माने के कारीगरों ने ये सब आर्किटेक्चर उन लोगों ने निर्माण किया था। ये देखने से पता चलता है कि कितना निपुण था वो। नीचे का व्यू इतना सुंदर है मैं क्या बोलूँ। और नीचे जो है ना यहाँ गांव है, ये गांव भी बहुत पुराने हैं जो तिब्बत हिमालयन इनहेबिटेड है, लास्ट ये अर्बन इनहेबिटेड यहाँ बचा खुचा है। अगर हो सकता है तो हम नीचे जाएंगे। इमान खुरुखुरु रास्ता रे आमी यहीं बोलोगिया है, बहुत छोटा है एंट्री। और मुझे जब ऐसे मैं रुकती हूँ इस फ्लोर पे, अगर कोई ज़ोर से ऐसे जाम करते हैं या आते हैं तो ये हिल जाते हैं। तो उड इस्तेमाल करता था ये बनाने के लिए, तो इसके वजह से थोड़ा सा ऐसे शेक होते हैं जब प्रेशर पड़ते हैं। तो मुझे मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहे हैं और एक बहुत मतलब मैं सोच रही हूँ कि इतना पुराना ये वुड अभी तक इतना अच्छा इतना सही सलामत कैसे है। तो वही सोच रही हूँ और देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पुराना ये पैलेस है।
और भी ऊपर जा सकते हैं, उधर देखिए, मतलब ऐसे बहुत सारे बेल्कनी जैसा, ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स हैं, छत है, जहाँ जाके हम देख सकते हैं नीचे। मतलब ये जो पैलेस है, इससे निगरानी करते थे पूरा शहर, शहर को राजा। तो इसके वजह से ये इसी प्लेस में बना हुआ है। देखिए ये वुड, इतना सुंदर सा आर्किटेक्ट और इतना पुराना, अभी भी इतना सही सलामत है। तो अभी जो है हम 8th level पर हैं, और ऊपर और एक लेवल है, वो लास्ट लेवल, वो 9th level है। और हम ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी ऐसा छत जैसा है। अभी मैंने सोचा कि ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो ये जो रूम है, कोठा, इसमें देखते हैं अंदर क्या है। तो ये पैलेस का एक रूम है, यहाँ शायद कोई थे। इस कोठा क्रॉस करने के बाद इस कोठे पे आते हैं, शायद, मुझे पता नहीं है, प्रॉपर गाइड मेरे पास नहीं है तो मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती हूँ। पर एक रूम में अटैच जैसा एक छोटा सा रूम है, और ये छोटा सा विंडो से हम बाहर देख सकते हैं पूरा पैलेस। ना हमारे अभी जो सीमेंट मिलता है ऐसा नहीं है, ये लेयर्स हैं बहुत सारे। ऊपर में कंक्रीट है, उसके बाद पत्थर हैं, उसके बाद राउंड राउंड से कुछ पैटर्न के वुड हैं, उसके बाद बर्न किए हुए ये वुड हैं, उसके बाद और भी एक लेयर है इसमें, और एक वुड दिया गया है। और ये देखिए, अलग अलग शेप का, अलग अलग लेवल में, ऐसे बहुत सारे लेवल हैं ऐसे बनाया हुआ है। तो ये फ्लोर भी ऐसे ही बनाया है। अभी रूम जाएंगे, थोड़ा सा गर्म कपड़ा पहनना है, और फिर से आना है बाहर घूमना है। कहाँ गया था साइड सीन? लेह पैलेस, और पूरा दिन सर्विस सेंटर में गुजर गया। बाइक सर्विस भी जाता है, होटल के बाहर ऐसा गुलाब, देखिए इतना अच्छा स्मेल करता है ना, और इतना सुंदर लग रहा है। तो भैया के पास एक मैप है, होम स्टे वगैरह सब कुछ है ना भैया वहाँ? मुझे ये दिखाई दिया, भैया को पूछा कि आपसे टेरेस है क्या? मैंने कहा हाँ। ओह, पर थोड़ी बारे गिर नहीं जाऊंगी ना? हाँ बाइक चला रहे हैं ये है ना, ये डायरेक्शन दिया उन्होंने, टी कहाँ पे, मेडिकल कहाँ पे मिलेगा, पेट्रोल का, और अपन पेट्रोल, ये सबसे ज़रूरी है, ये नहीं मिलता आपको, वो नहीं, मगर आपको वहाँ पे फिक्स नहीं होगा। जो हम गर्म पानी यूज़ करते हैं ना होटल पे, तो वो फुल सोलराइज्ड है, ये सोलर एनर्जी लेके इसको गर्म करते हैं। जब सूरज का धूप कम होते हैं तो इसके यहाँ पे एक है जिससे इलेक्ट्रिक रॉड भी है। यहाँ से खाडुंगला टॉप दिखाई देता है, वो ऊपर जो है वही वाला पहाड़ है। देखिए कैसे जाना पड़ रहा है, और बैम्बू ऐसे हिल रहा है। हम निकल रहे हैं सांचे स्तूपा, वहाँ व्यू बहुत अच्छा आएगा इवनिंग का, इसलिए जा रहे हैं। अभी पहुंच गए हैं सांचे स्तूपा, ये यहाँ से नीचे देखने के लिए बहुत मज़ा आता है। तो ये एक स्तूपा है यहाँ, बहुत बड़ा साइज का, बड़ा आकार से यहाँ बनाया हुआ है ये स्तूपा। तो मेनली इसलिए आते हैं कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, और रात में जब सारा लाइट जल जाता है शहर का, तो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए मून इतना अच्छे से आ रहे हैं, स्तूपा के ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं। दोनों तरफ ऐसे सर्कल्स बना दिया है, अभी ऊपर जाएंगे फिर से। यहाँ लोग फोटो वोटो खींच रहा है, और ये देखिए स्काई, देखिए यहाँ थोड़ा अंधेरा हो गया है। ये शांति स्तूपा, और शांति स्तूपा लेह पैलेस से सिर्फ 1.4 किलोमीटर दूरी पे है। अगर आप लेह पैलेस आते हैं तो यहाँ जरूर आ सकते हैं, और यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। ये आसमान कितना चमक रहा है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहा है,
8 बजे के बाद ये बंद कर देते हैं। और ये सिटी का व्यू देखिए कितना सुंदर व्यू है, ये जैसे दिवाली में चमक रहे हैं जैसा लग रहा है। और ये चांद तो मतलब सिटी के ऊपर जो चांद दिख रहा है ना मून, वो मतलब सुंदर, मतलब क्या ही बना दिया है ये नज़ारा, बहुत सुंदर बना दिया है। तो बहुत सारे यहाँ पे ले पे हम लोगों ने सोचा था कि बहुत सारे चीज़ें देखेंगे, पर हम लोग का वो जो हादसा हो गया था बाइक का, तो इसके वजह से हम नहीं देख पाए हैं। पर कुछ ना कुछ तो ऐसे भी छूटेगा ही, तो इसलिए और ये भी सोचा कि आने के लिए, नेक्स्ट टाइम आने के लिए तो कुछ रीज़न चाहिए ना। तो नेक्स्ट कल हम जा रहे हैं बहुत एक डरावना रास्ते पे, तो उस रास्ते पे मज़ा आएगा, ऑफ रोडिंग होगा। अभी मैं आ गई हूँ लेह मार्केट, और आते वक्त पहले ही दुकान मिला है क्रिस्टल्स, यहाँ अलग अलग क्रिस्टल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे बहुत बड़ा मार्केट है, और मुझे ऐसा लग रहा है देखने में ये गैंगटॉक जैसा ही लग रहा है, मतलब गैंगटॉक में भी ऐसा ही था, तो यहाँ आके मुझे गैंगटॉक जैसा फील आ रहा है। तो आज हम लोगों को दो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें लेना है, एक है वो गोप्रो का जो जैक है, ऑडियो जैक, और दूसरा है जो ट्राइपॉड है ना, वो भी लेना है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये जामिया मस्जिद लेह लद्दाख, ऊपर देखिए क्लॉक भी है बहुत बड़ा और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आते आते हमें आगे बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ हैं तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं ये लेह मार्केट। जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है क्योंकि रात हो गए हैं, तो सारे दुकान बंद हो गए हैं, बंद कर दिया, शटर बंद कर दिया। हम भाग भाग के आए हैं, भैया कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए क्योंकि नहीं मिल रहा है। और गोप्रो का एक दो दुकान था, वो रात हो गया ना, बंद हो गया है, अभी वापस आ गए, नहीं हुआ। अभी एक ही बचा है कि हम डिनर करके यहाँ पे ही लेह मार्केट पे डिनर करके हम चले जाते हैं। तो देखते रहिए राइडर अपराजिता इस चैनल को। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट पे बताइएगा कैसा लग रहा है। और अगर शांति स्तूपा पे आए तो मुझे कमेंट पे बताइएगा बाद में कि हाँ सच में आके बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।